नमस्कार, मैं तनिषा अरोड़ा आपका स्वागत करती हूँ आर्ट्स एंड वुड्स में। और आज है हमारे साथ आशीष बेतल जी, डायरेक्टर ऑफ आर्ट्स एंड वुड्स। और आज हम बात करेंगे मंदिर के बारे में। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज हमारे पास काफी सारे मंदिर हैं, तो हमें आज बहुत ही अच्छी जानकारी प्राप्त होगी इन मंदिर के बारे में। तो आशीष जी, मंदिर में जो सबसे जरूरी चीज होती है वो क्या होता है? देखिए, मंदिर की जब भी हम बात करें, अपने घर के मंदिर की या ऑफिस की या जहाँ भी कोई आश्रम हो या कहीं भी आपको मंदिर लगाना है, तो सबसे पहली चीज होती है साइज। देखिए, मेरा पूजा रूम मान लीजिए 5 फीट का है। हाँ जी। तो अगर मंदिर 2 फीट का है तो वो बहुत छोटा लगेगा, और 5 फीट से बड़ा तो मेरे लिए काम का नहीं है, क्योंकि वो आएगा ही नहीं वहाँ। तो साइज पहली चीज होती है। उसके बाद आता है हमारा पूजा ट्रेडिशन। देखिए, पूजा करने की हमारी सबकी अपनी अपनी पद्धति है, तरीका है। नॉर्थ से लेके साउथ तक और वेस्ट से ईस्ट तक हर जगह हम अलग तरीके से पूजा करते हैं, और हमारा मंदिर हमारी पूजा पद्धति के अनुरूप होना चाहिए। एक एग्जांपल जैसे मैं आपको दूं, अगर हम बैठकर पूजा करते हैं जमीन पर हमें डायरेक्ट नहीं बैठना चाहिए, कुछ बिछाकर बैठना चाहिए। तो अगर हम नीचे बैठकर पूजा करते हैं तो चौकी लो बनती है। अब मान लीजिए हमें थोड़ा सा ऊंचा बैठना है, काफी लोग आसन पे बैठते हैं, तो जैसे कि ये मंदिर हमारे पास है, तो इसमें आसन है, तो आसन पे बैठने के लिए चौकी थोड़ी सी ऊंची हो जाएगी। थर्ड पॉइंट, अगर हमें खड़े होकर पूजा करनी है, तो देखिए ये मंदिर है हमारे पास, तो उसके अकॉर्डिंग थोड़ी चौकी और ऊपर हो जाएगी, क्योंकि बेसिक ये है कि डायटीज हमारी चेस्ट हाइट पर ऑलमोस्ट हों जब हम पूजा करें। तो ये हो गया एक पॉइंट। पूजा पद्धति में और बहुत चीजें होती हैं हमारे ट्रेडिशंस के अंदर, जैसे कि कलश, गोपुरम। इस मंदिर में आप देखिए, बड़ा खूबसूरत, बड़ा ही सुंदर गोपुरम है। और फिर डोर, विदाउट डोर। और इसके अलावा भी बहुत कई बार छोटी चीज़ें होती हैं, जैसे कि मान लीजिए मेरे पंडित जी कहते हैं कि मोर हमारे लिए शुभ नहीं है। हो सकता है मेरे कुल कुंडली में या मेरी फैमिली में या ट्रेडिशंस में वो चीज़ लिंक ना करती हो, तो उस चीज़ का भी हमें ध्यान रखना पड़ता है। कि जैसे कि हमने मंदिर ये वाला बनाया है, इसमें हाथी का डिज़ाइन है, हाथी की सूंड देखिए आप ऊपर की तरफ है। बहुत छोटी छोटी माइनर चीज़ें होती हैं जो बहुत इम्पैक्ट देती हैं। उसके बाद होता है वास्तु। किसी भी मंदिर के लिए वास्तु बहुत ज़रूरी होता है, और वास्तु कंप्लायंट, अगर वास्तु के अनुरूप मंदिर होगा तो उसकी पॉजिटिव एनर्जी या पॉजिटिव वाइब्स बहुत बेटर होती हैं। ये बहुत ज़रूरी भी है। बिल्कुल। उसके बाद आता है हमारा डिज़ाइन, कलर। ये हमारा चॉइस पार्ट, पर्सनल पार्ट होता है, मुझे क्या पसंद है डिज़ाइन में या कलर्स में। चलिए सर, तो एक एक मंदिर हम देखते हैं कि हमारे पास, क्योंकि आज बहुत ज्यादा अच्छे डिजाइन है मंदिर के। बिल्कुल। तो इस वाले से शुरू करते हैं मैडम। ये हमारा 36 नंबर मॉडल है, मोस्ट पॉपुलर डिजाइन है, और इस मंदिर को हमने अक्रॉस द ग्लोब भेजा है, और बहुत साइज बनाए हैं इस मंदिर के। 2 फीट से लेके हमने इसका 5 फीट, 6 फीट, बहुत टॉल, छोटे, बहुत डिजाइन बनाए हैं। अभी रिसेंटली इससे फॉर्मेशन में हमने 8 फीट का बड़ा मंदिर बनाया था, जो वृंदावन गया है, और ये वॉलनट कलर में है। इसमें हमारा अगर नेचुरल फिनिश चाहिए वही बनती है। और सेम मंदिर आप देखिए, ये वाइट में आ गया। इन दोनों मंदिर में आप थोड़ा मॉडिफिकेशन देखेंगे तो आप देखिए चौकी का डिजाइन थोड़ा सा डिफरेंट है। बिल्कुल। उसके अलावा कलर तो डिफरेंट है ही, थोड़ा साइज में वेरिएशन है। तो ये डिफरेंस होता है क्लाइंट की चॉइस का। क्लाइंट को व्हाइट पसंद है, मॉडल उन्होंने वो पिक किया 36 नंबर, और कलर उन्होंने व्हाइट बनवाया, चौकी हाइट बढ़ाई है, और अकॉर्डिंगली मंदिर तैयार हो गया। बहुत सिंपल। अगर आप कुछ आसन टाइप देख रहे हैं तो इस तरह की चौकी भी आप ले सकते हैं, और इसके अंदर ये जैसे गणपति पूजा के टाइम पर आप यूज कर सकते हैं, या आपके साईं बाबा के लिए मूर्ति बन सकती है। जैसे भी आपकी इंक्लिनेशन है उस हिसाब से ये चौकी भी अच्छा काम करती है। उसके बाद मूव करते हैं मैडम इस मंदिर पे। ये हमारा बहुत ही यूनिक डिजाइन है, और वन ऑफ द हेवीएस्ट डिजाइंस छोटे मंदिर में। हम इसे छोटा कंसीडर करते हैं क्योंकि बड़े मंदिर 5 फीट, 6 फीट, 8 फीट के बनते हैं। और बहुत ही डीप डिजाइन है इसके अंदर हर जगह। ऊपर इसमें अगर आप मंदिर में देखेंगे, सामने है कीर्तिमुख। कीर्तिमुख की भी अपनी कहानी है, खैर वो मैं फिर कभी बताऊंगा। लेकिन छोटी छोटी चीजें होती हैं, जैसे क्लाइंट ने बताया वैसे हमने बनाया। और कलर देखिए, ट्रिपल शेड में कितना खूबसूरत मंदिर बन के आया है। हाँ जी, बहुत सुंदर है। इसी मंदिर में हमने बड़ा मंदिर ही बनाया था अभी कुछ दिन पहले, और ये उसका छोटा मॉडल है। अच्छा। अब छोटे मंदिर की फर्दर बात करें तो ये हमारे पास एक छोटा मंदिर है, इसमें डोर्स हैं हमारे पास। अच्छा। और नीचे ड्रॉर्स और दिया ट्रे। फिर अगर आपके पास थोड़ा कम स्पेस में मंदिर बनाना है तो ये छोटा मंदिर थोड़ा सा लंबा होता है और कम स्पेस के लिए बनता है। इसी फॉर्मेशन में एक और मंदिर है, ये थोड़ा बड़ा है, विद डोर्स है, साथ में इसमें है बैठने के लिए पूजा चौकी। और हमारा एक और मोस्ट पॉपुलर डिजाइन गोपुरम, ये 42 इंचेस में बनता है लेफ्ट टू राइट, और इस मंदिर का हमने ग्लोबली बहुत एक्सपोर्ट किया है और हर साइज में ये मंदिर हम बना चुके हैं, 2 फीट का भी और 6 फीट का भी, बड़े छोटे टावर शेप में, इतने सारे मॉडल इसके ऑलरेडी बन चुके हैं। सारी बात का क्रक्स अगर आप समझें तो क्रक्स ये है कि जो आपको चाहिए वो हम बनाकर देते हैं। सबसे मुश्किल मैडम यही काम होता है असल में कि क्लाइंट की चॉइस को समझना, बिल्कुल, और उसके अकॉर्डिंग बनाकर देना। और बेस्ट पार्ट होम डिलीवरी, इंडिया हो या इंडिया के बाहर, ग्लोबली हम डिलीवर करते हैं। आप हमारी वेबसाइट पे हमारा टेस्टिमोनियल सेक्शन देख सकते हैं कि हमने कितने सारे मंदिर अब तक बनाए हैं और ग्लोबली डिलीवर किए हैं। और जब वो मंदिर क्लाइंट के घर पहुंचते हैं तो वो पर्सनली उस मंदिर के पिक्चर क्लिक करके हमें भेजते हैं क्योंकि उन्हें वो मंदिर बहुत ही ज़्यादा पसंद आते हैं। अच्छा सर, मंदिर बनाने वाले तो बहुत लोग हैं पूरी दुनिया में, तो हम मतलब मंदिर बनाने में क्या चीज़ डिफरेंट करते हैं? देखिए मैडम, पहली चीज़ होती है कि क्लाइंट की रिक्वायरमेंट समझना। बीस्पोक कस्टमाइज्ड, ये दो वर्ड हैं जो बहुत पॉपुलर भी हैं, बीस्पोक बनाना या कस्टमाइज बनाना, लेकिन समझना उस बात को बहुत जरूरी है। बहुत बार क्या होता है, देखिए मैं किसी की समझ पर क्वेश्चन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अनजाने में लोग कुछ अलग सी डिमांड कर देते हैं, तो अगर वो चीज़ ठीक नहीं है तो हम क्लाइंट को बता सकते हैं कि ये चीज़ ठीक नहीं है। फॉर एग्जाम्पल बताता हूँ मैं आपको कि एक क्लाइंट ने ऐसे ही मंदिर बनवाया, उनकी ड्रॉअर थी नीचे, उन्होंने कहा ड्रॉअर पर मुझे गणेश जी की, लक्ष्मी जी की प्रतिमा बना दी। अच्छा, अब आप देखिए मैं यहाँ बैठता हूँ, हाँ जी, और अगर गणपति जी यहाँ पर हैं तो मेरी नी, मेरा घुटना गणपति जी के बिल्कुल सामने आ गया, बिल्कुल, ये बिल्कुल लॉजिकल नहीं है। अच्छा। और ये देवताओं का अपमान करने वाली बात है कि हमारे पैर के सामने देवता है। अच्छा। तो हमने उनको बताया कि सर ये ठीक नहीं है, ऐसे नहीं बनवाना चाहिए, तो उन्हें बात समझ में आ गई। हो सकता है कि वो कहीं और से बात कर रहे होते, तो वो लोग ये चीज नहीं बताते, वो कहते हैं ठीक है आपने जो कहा हम बना देंगे। छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन समझना बहुत जरूरी है, और क्लाइंट को भी अगर हम बात बताते हैं तो उन्हें अच्छा लगता है। अगर आप हमारी पुरानी वीडियोस देखेंगे, हमने बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं जिसमें हमने पूरे वास्तु की डिटेल्स, और पंडित जी भी आए थे हमारे साथ, पंडित मोहित झा जी, उन्होंने बहुत अच्छे से समझाया था कैसे मंदिर की शुद्धिकरण करनी है, कैसे मंदिर का वास्तु होता है और किस कैसे मतलब मंदिर की डिटेल्स होती हैं, बहुत कुछ उन्होंने बताया था। तो हम सिर्फ मंदिर बनाते नहीं हैं, हम मंदिर की पूरी डिटेल क्लाइंट को देते हैं। और वी आर ओपन, आप कॉल कीजिए, अगर आपको लेना भी नहीं है, कुछ समझना चाहते हैं तो आप कॉल कीजिए, हम आपको पूरी डिटेल देंगे वास्तु की, मंदिर के डिजाइन की, कैसे बनाना चाहिए, कैसे करना चाहिए, हम आपको बता सकते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है सर। तो सर हमने आज इस वीडियो में काफी सारी डिटेल्स कवर अप कर ली है, अगर आप और भी कुछ बताना चाहते हैं तो प्लीज। देखिए 2-3 पॉइंट मैं क्लाइंट से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। पहली चीज, प्लास्टिक की मंदिर या प्लास्टिक की मूर्ति अवॉइड कीजिए, ये पहले भी पंडित जी ने एक्सप्लेन किया है क्यों, उसका रीजन है। दूसरा, मंदिर ब्लैक नहीं होता, तो जो लोग एबनी कलर का या ब्लैक करके मंदिर बेचते हैं, प्लीज ब्लैक अवॉइड कीजिए, मंदिर ब्लैक नहीं होता, भगवान अगर ब्लैक नहीं होता। और उसके अलावा थर्ड पॉइंट जैसे हमने डिस्कस किया है पूजा ट्रेडिशन के बारे में, तो प्लीज बात कीजिए अगर आपको कहीं भी डाउट है। ऐसे ही मंदिर मत बनवाइए, अगर आपको हमसे नहीं बनवाना, कहीं और भी आप हैं, आपके कोई लोकल बनाने वाला है, आप समझना भी चाहें तो प्लीज कॉल कीजिए, वी आर ओपन। तो अच्छा रहेगा अगर आपकी पसंद का और आपके ट्रेडिशन के हिसाब से मंदिर बन जाए तो। बिल्कुल सर, इन सब में सबसे अच्छी चीज़ ये है कि ये सारे मंदिर हाथ से बनाए जाते हैं, लोकल आर्टिशंस को इतना सारा काम मिलता है। तो अगर आपको हमारा काम पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को शेयर कीजिए, और अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो नंबर आपके सामने, आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।